एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? मैम अतुल है. हेलो मैम. आई एम आल्सो फाइन बेटा, थैंक यू एंड आई वेलकम यू इन दिस सेशन. ओके स्टूडेंट्स, टू दैट वी विल स्टार्ट टुडे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 इज अ पोयम. सो आई होप सभी ने पोयम का वीडियो देखा होगा. मॉर्निंग में आप सभी को वीडियो भेजा गया था, आपके लिए पोयम का वीडियो बनाया गया है. तो सभी ने देखा होगा. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोयम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम? एक मिनट, जिससे पूछेंगे पहले वो बताएगा. ओके देवांस, टेल व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम दैट वी आर गोइंग टू रीड. We are going to recite. Niharika? Yes, ma'am. Devas? Okay, so the poem is Wanderthirst. Wanderthirst means? Thirst means Tanishka? The desire to explore. Yes, desire to explore something. Very good. Yes, Tanvika, what do you think on the mic? On the mic, beta. Ma'am, apne desire pool kari. Apne desire ko, apne ichha ko puri karne ki jo pyaas hai, usko bolte hain wander thirst. Wander means bhatakna. जैसे की कैन यू टेल मी द थीम ऑफ द पोयम? आपने पूरी पोयम देखा. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? इस पोयम में क्या बातें की जा रही हैं, क्या बताया जा रहा है? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? निहारिका, निहारिका टेल बेटा. They are going on a west to the sunrise and east to the sunrise, west to the sea, and they call on a sea, they call stars, they call sky. Beta, Niharika, I am not saying to recite the poem. I poem ko recite nahi karna hai. I am asking what is the theme of the poem. पोयम का मतलब क्या था? पोयम को पढ़कर आपने क्या समझा? मैम, अमन, बिहारी का आई थिंक आपने पूरा वीडियो देखा है. मैम जब तक कि मैम हमारी अमन टेल बेटा. मैम इसमें मैम जब तक कि मैम हमारी विश कंप्लीट नहीं हो जाती मैम तब तक मैम हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं. ओके सांविका, व्हाट डू थिंक? मैम द थीम ऑफ दिस पोएम इज कि हाउ अ ह्यूमन वांट टू कंप्लीट हिज और हर डिजायर. मींस कि कभी भी किसी भी ह्यूमन की जो इच्छाएं किसी भी तरह से समाप्त नहीं होती, बहुत उसके आगे बढ़ती बढ़ती. ओके मींस आवर डिजायर्स नेवर फुलफिल. If we fulfill our one desire, then new desire take place, है ना? And we want to fulfill that. तो जैसे हमारी एक इच्छा, एक विश पूरी होती है, हम दूसरी हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है. एंड इस तरीके से हम लाइफ में स्ट्रगल करते हुए, लाइफ की जर्नी को पास करते हुए कई सारे फॉल एंड राइज देखते हैं, बट कई सारे हम ड्रीम बनाते हैं, पूरा करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं. कई सारी इच्छाएं है ना, पूरा नहीं कर पाते हैं. और इस तरीके से हम वैंडर करते रहते हैं. ओके सावित्री, व्हाट डू थिंक? सावित्री ऑन द माइक. मैम जिसकी मैम विश मैम पूरा ना हो मैम, वो मैम इधर उधर मैम घूमने के लिए मैम भटकते रहते हैं. सौरभ, व्हाट डू थिंक बेटा ऑन द माइक? मैम आई थिंक मैम हाउ वी वंडर थ्रिस्ट.
सृष्टि बेटा थर्स्ट होता है मीन्स प्यास. यस तनिष्का ऑन द माइक बेटा. यस मैम थर्स्ट. Ma'am, the theme of this poem is while our wish is not complete, after a new desire born. Okay, okay. So let's. I'm going to share your book. Okay, beta. I'm going to share your book. Wait. अभी हम poem से related questions पूछेंगे. Okay. So what do you think? Poem is interesting or not? Ma'am, it is based on reality. It is the theme yes, of reality. Ma'am, it okay. is very wonderful. What? Wonder. Beta, first of all, question for you before going the topics. हम सभी के लिए questions हैं. We have to think and answer. Do you like to travel? Do you like to travel? A question for you all. Do you like to travel? Yes, ma'am. I think yes, sabhi, I like to travel. Yes, sabhi I like to travel. I like to travel. Yes, yes. Okay. And who do you like to travel with? Kiske saath traveling karna chahte hain? Ma'am, friends. Ma'am, friends. फ्रांस ट्रेवल फ्रेंड्स. बेटा 1 मिनट सभी वन बाय वन बोलेंगे, जिसे पूछेंगे वो बोलेगा. ठीक है? यस मैम. यस दिव्या. दिव्या डू यू लाइक ट्रैवलिंग? यस मैम. विद हुम? यस आई लाइक टू ट्रैवलिंग. विद हुम? यस मैम. बेटा किसके साथ, किसके साथ आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है? My friends. Okay, you like to travel with your friends. Okay, Tanishka, what about you? With whom do you like to travel? Ma'am, I like to travel with friends. What? Ma'am, with friends. With your friends. Saurabh, what about you? Saurabh. Ma'am, I like to travel. Ma'am, I like to travel. With? Ma'am, with my friends. Okay. Ma'am, my friends. Anil, do you like to travel? I like to travel with my friends. Okay, ठीक है. So, what kind of place do you like to travel to? What kind of place do you like to travel to, Tanvika? On the mic. Ma'am, I like to travel on historical places like museum and many historical monuments. Okay, historical monuments आप देखना चाहती हैं. Okay, Anpriya is saying that yes, I like to travel with my parents and teachers. Okay, beta, good Anpriya, but you also have to tell me which place do you like to travel. Okay. Niharika, what do you think? Where do you want to go for traveling? Across the sky, across the stars. या फिर टू द बर्ड्स, जैसे कि पोयम में है. द पोएट वांट्स टू ट्रैवल वेयर द सन राइज एंड वेयर द सन सेट. है ना? यही तो है. यस मैम. यस मैम. निहारिका ने अभी तक आंसर नहीं दिया. निहारिका, आई एम आस्किंग टू यू, आप कहाँ पे ट्रैवल करना चाहती हैं? मैम, माय पेरेंट्स. सौरभ कनौजिया वांट टू ट्रैवल एट स्पेस. ओके. अमन, आई लाइक टू ट्रैवल ऑन माउंटेन. ओके. सचिन, सचिन व्हाट अबाउट यू, वेयर डू लाइक टू ट्रैवल? नैन्सी. ओके. तनिष्का, तनिष्का वांट टू ट्रैवल अक्रॉस द मून एंड ऑल द वर्ल्ड. ओके. देवांश, वेयर डू वांट टू गो फॉर ट्रैवलिंग? कहाँ पे आप घूमना अच्छा लगता है आपको? देवांश, कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता? रिवर के पास लगता है. मैम, आई लाइक. यस यस, आई लाइक माउंटेन. माउंटेन. मैम, माउंटेन.
माउंटेन. चलिए ठीक है, कभी कभी टाइम मिला तो ट्रैवलिंग करना. ओके नेक्स्ट, देन व्हाट मेक्स ट्रैवल स्पेशल फॉर यू. अब आपको करना क्या है, देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस, यू हैव टू चूज योर ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. व्हाट मेक ट्रैवल स्पेशल फॉर यू, क्या ऐसी चीज है जो आपके ट्रैवलिंग को बहुत ही स्पेशल बना देगी. लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, इट हेल्प मी रिलैक्स, मतलब यू कैन चूज दिस, यस आई लाइक टू ट्रैवल एंड व्हेन आई ट्रैवल आई फील. बेटा देवांश आपकी यही प्रॉब्लम है, आपके यहाँ से बहुत आवाज आती है. सबके साथ मत बैठा करिए, अलग बैठा करिए, हाई करने स्टडी रूम में या प्रॉपर साइलेंट काम प्लेस पे जहाँ पे शांति हो, पीस हो. ओके सो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं सो ट्रैवलिंग आपको रिलैक्स देती है, या फिर आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, आई लाइक टू ईट न्यू वैरायटीज ऑफ फूड. ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर मी. व्हिच ऑप्शन डू यू लाइक टू चूज सचिन, व्हिच ऑप्शन डू यू लाइक टू चूज, रीड द सेंटेंस जो आपको अच्छा लगे. व्हाट मैम, लाइक आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके वेरी गुड. अतुल ऑन द माइक. यस मैम. टेल व्हिच ऑप्शन वुड यू लाइक टू चूज फॉर ट्रैवलिंग. मैम आई ट्रैवलिंग नॉट सेफ फॉर मी. ओके अभी अपना आप माइक ऑफ कर लीजिए. ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर मी, ये ऑप्शन चूज किया है आपने. अतुल ऑन द माइक. अतुल व्हिच ऑप्शन. यस मैम. व्हिच ऑप्शन मैम, फॉर ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर मी. ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर मी, मतलब बेटा आप कैसे हो, आपको ट्रैवलिंग ही नहीं अच्छा लगता, आपको घूमने भी अच्छा लगता, घर पे बैठ रहे अच्छा लगता. चलिए ठीक है, सबकी पसंद अलग अलग होती है. ओके ठीक है, तनिष्का ऑन द माइक. मैम मैटर. मैटर बेटा सबसे पूछेंगे. आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ओके यस. अनिल. अनिल ऑन द माइक. मैम आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके सौरभ. मैम आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके दिव्या. आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. अच्छा ठीक है, अच्छी बात है आप एक्सप्लोरर हो. ओके देवांश बेटा ऑन द माइक. मैम आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके गुड ठीक है, मींस ट्रैवलिंग करते समय अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम देंगे अच्छा लगेगा. अस्मित व्हाट डू यू थिंक. अस्मित आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके सावित्री. मैम आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. ओके सचिन का हो गया है, अभी कौन बचा, सबित का तो हो गया. सांविका. मैम लीविंग लास्ट ऑप्शन. मैम ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर मी, आई विल चूज ऑल ऑफ यू. मींस ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर यू. सांविका अब मैम लीविंग इट. मैम लीव. अच्छा अच्छा लीविंग. सारे ऑप्शन पे. ओके 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 अंडरस्टूड. मींस लीविंग ट्रैवलिंग इज नॉट स्पेशल फॉर यू, यू वुड चूज ऑल द ऑप्शंस. ठीक है. ओके सुषमा. चल बेटा आपकी आवाज नहीं आई सुषमा, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकती हैं. अनुप्रिया आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ओके अनुप्रिया. यस अमन आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस. ठीक है चलिए ठीक है, आई थिंक सभी लोग को ट्रैवलिंग अच्छा लगता है सिर्फ अतुल को छोड़ के. ओके नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ फ्यू प्लेसेस यू विश टू ट्रैवल टू. इट्स अ होमवर्क, आप इसमें राइट करना. यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ फ्यू प्लेसेस वेयर यू विश टू ट्रैवल. ओके कर लेंगे.
आई थिंक कर लेंगे मैनेजमेंट अपने ड्रीम वाला प्लेस यहाँ पे राइट करना चाहिए आप जाना चाहते हो मैम मैम क्वेश्चन और है उसके ऊपर एक क्वेश्चन और है हाँ यस डू यू नो व्हाट वेंडरथॉस्ट मींस अभी अपने स्टार्टिंग में पूछ लिया इस क्वेश्चन का आंसर डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ वेंडरथॉस्ट मैम द डिजायर टू एक्सप्लोर ओके एक्सप्लोर द डिजायर टू एक्सप्लोर डिजायर टू एक्सप्लोर सो अभी हम रिसाइट कर लेते हैं हमने इसका मीन्स तो पढ़ ही रखा है पोएम का है ना अभी हम पोएम को रिसाइट कर लेते हैं बियॉन्ड द ईस्ट द सनराइज बियॉन्ड द वेस्ट द सी एंड ईस्ट एंड वेस्ट द वेंड ऑफ थर्स दैट विल नॉट लेट मी बी इट वर्क्स मी लाइक मैडनेस डियर टू विट मी से गुड बाय फॉर द सी कॉल एंड द स्टार्स कॉल एंड ओ द कॉल ऑफ द स्काई I know not where the white road runs, nor what the blue hills are, but a man can have a sun for friend, and for his guide a star. And there's no end of voyaging when once the voice is heard, for the river calls and the road calls, and oh, the call of a bird. Badi bulati use, hai na? Okay. Yes, ma'am. Yonder the long horizon lies, and there by night and day, the old ships draw to home again, the young ships sail away. So I think ye bahut acha rhyme bhi hai, and you should learn it. You yes, should ma'am. Learn this rhyme. Kar lenge? Is poem ko aap learn kar lenge na? Beta diwan hai. Poem aur. Yes, ma'am. बेटा दिमाग मतलब हाँ बेटा यार आई नो एक स्टेंज और है पता मुझे लास्ट स्टेंज आपका है एंड कम आई मे बट गो आई मस्ट एंड इफ मैन आस्क्स यू व्हाई यू मे पुट द ब्लेम ऑन द स्टार्स एंड द सन एंड द व्हाइट रोड एंड द स्काई हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोयम एंड हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम विकास मैम मैम कैरल जिससे पूछ रहे पहले उसको बोल दीजिए प्लीज लेट स्पीक विकास विकास टेल हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम मैम ग्रेली गोल्ड नहीं बेटा जेरॉल्ड गोल्ड तनिष्का मैम जेरॉल्ड गोल्ड जेरॉल्ड गोल्ड ओके सो क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट आर द सम थिंग्स दैट कॉल द पोएट व्हाट आर द सम थिंग्स दैट कॉल द पोएट यू हैव टू सो योर हैंड बीच में नहीं बोलेगा बेटा जिससे पूछेंगे वो आंसर देंगे और आप यू कैन गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स ऑल्सो ओके रिवाइज द पोएम एंड फाइंड द आंसर व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट कॉल द पोएट हु कॉल्स द पोएट अतुल मैम सन मैम स्टार मैम बर्ड मैम केस मैम स्टार मैम सन स्टार व्हाइट रोड कॉल्स द पोएट ओके ठीक है कामिका मैम क्वेश्चन मैम क्लियरली नहीं समझ रही है मैम एक बार फिर से व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स लिसन व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स That call the poet. Ma'am, the poet. Ma'am, the star calls the poet. Ma'am, the road calls the poet. Also, the sun and the sky calls the poet. Okay, sun, sky, stars, birds call the poet. Okay, very good. Sushma. Ma'am, see. बेटा, अमन अभी silent रहे please. बीच में नहीं बोलते हैं आप good boy हो ना? सुषमा बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकती हैं तनिष्का इज गिविंग द आंसर द थिंग्स दैट कॉल द पोएट इज स्टार्स बर्ड्स सन स्काई एंड व्हाइट रोड ओके गुड दिव्या ऑन द माइक दिव्या टेल द आंसर व्हाट आर द समथिंग यस मैम द समथिंग दैट कॉल द पोएट स्काई स्टार्स सी Road,
rivers, birds, etc. Okay, seeds, stars, sky, river and road birds. Okay, Saurabh, good. Divya also good, okay. Sachin, on the mic, Sachin. Yes, ma'am. Tell the answer. 1 second ka. Question number one I'm asking. Abhi question second mein discuss nahi kiya. What are the some things that call the poet? Ma'am, roads, seas, sky, birds. Okay. Call the poet. Okay, next Savitri on the mic. Ma'am, seas, call, star, ma'am, river, ma'am, road, ma'am, also bird, ma'am, etc. Okay. Akanksha, on the mic. Tell the answer, Akanksha. Yes. Ma'am, bird, ma'am, star, ma'am, river, road, ma'am, etc. Okay, etc. Will give a sentence. Bula kari. Aman. Something called the poet star. Beta, ऐसे ऐसे नहीं start करेंगे. Answer लिखना आपको पता होना चाहिए. The things that call the poet are stars, river, birds, road. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. Birds, stars, white road, rivers call the poet. Okay. मैम, word meaning कब send करेंगी? बेटा, word meaning अभी आज शाम तक आप लोगों को send कर दीजिए. अगर आज नहीं हो तो मंडे तक तो पक्का मिल जाएगा. Okay? Yes, ma'am. So, look at the question number 2. According to the poet, what can a man have as a friend, as a guide? According to the poet, what can a man have as a friend, as a guide? Milan ki switch tension mein aaya hai poem ke. Look at the poem. Poem dekhte hain hum log yahi line kahan pe hai. Kaun ho sakta hai friend or guide? Yes. But a man can have a son's small friend. Anna? And guide or star. Yes, ma'am. But a man can have a son for friend and for this guide a star. For this guide a star. Okay, so answer kaise likhenge? How will you write the answer? The man have a according to the poet, the man has a friend and has a guide. And star but as a guide. According to the poet, the son can as a friend and stars can as a guide. Guide. Next, let's read between the lines. What do these lines mean? अब जिस टाइम पूछेंगे वो बताएगा सभी को आंसर देना है. Look carefully. What do these lines mean? The old ships draw to home again and young ships sail away. Very nice. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. The old ships draw to home again. The young ships sail away. देवांश मैं आपको देख रहा हूँ, आप बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो. ऐसा नहीं है कि मैम किसी बच्चे पर ध्यान नहीं दे रही, सभी बच्चे स्क्रीन पे ऑलरेडी मेरे साथ हैं. आई विल सी यू ऑल ऑन द माइक देवांश एंड गिव द आंसर. माइक ऑन करिए. क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर बी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए. ऑन द माइक आई एम सेइंग देवांश. टेल what's the meaning of this line? The old ships draw to home again and young ships sail away. कुछ नहीं पता, सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं. ऐसे करेंगे तो पढ़ाई नहीं होती बेटा. पढ़ाई के लिए हम क्या होना चाहिए? सरेंडर होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए. यस अमन. मैम, जो पुरानी ships होती है वो तो घर पे चली जाती थी, लेकिन मैं एक पुरानी सिप जैसा नहीं हूँ. मेरी यात्रा बहुत लंबी. ओके, वेरी गुड. एंड कैन यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश? कैन यू गिव मी द आंसर इन इंग्लिश? अमन दीदी, आपको इस लाइन का इंग्लिश मतलब लिखना है.
is old and he come home, but the young sheep is don't tired. He is sail away. बेटा कोई थिंग्स के लिए हम ही नहीं यूज करते, हमें इट बोलना है, बाकी आप मतलब अच्छा निकाल रहे हैं, वेरी गुड, बट आप यहाँ पे इट यूज करेंगे. ओके, द ओल्ड सिप्स इज ओल्ड, मतलब ओल्ड सिप्स इज टायर्ड एंड इट नीड टू रेस्ट, सो इट विल गो टू द होम, बट द यंग सिप हैज energy and it will be continue to its journey. They are not tired. है ना? इसी चीज को अगर हमने life से लेकर देखें, अगर human life से हम जोड़ कर देखें तो इसका मतलब क्या निकलेगा? सांगी का टर्न. इसी life को अगर हम human being से जोड़ें, मैम human being से जोड़ने पे भी मिलेगा. The young person can do many things and abhi usko rukna nahi hai, he or she never have do not have to stop now, but the old person he or she can tire after work, so they have to take a rest. Very good means if we think this line as human beings, so the old sit refers the old person that had tired and they need rest, so they will go to the home and they took rest, but young sit denotes the young person like us, hai na? Young person. And we have a lot of energy to do many things, hai na? So we will continue our journey. Yes, कर लेंगे, ऐसे आपको लिखना भी है. Yes, ma'am. कर लेंगे सभी. I think बहुत ही अच्छा मतलब है इसका, है ना? Okay, सभी कर लेंगे ना बेटा, अनिल, सावित्री, सौरभ. Yes, ma'am. Okay, look at the question number 2. What does poet say? Come I may, but go I must. Come I may, but go I must. Divya? When the poet say, come I may, but go I must, because you may put the blame on the stars and the sky and the white road and the sky. Beta, it is not exact answer. Aura, what do you think? Hurry up, beta. I think the poet say, come I may, but I go must because it is for late. He is for late? No, it is not exact reason. Niharika, what do you think? Niharika? Ma'am, the poet say, come I may, but go I must, because they why? क्यों होता है? Means come I may means होता है, come I may मतलब कुछ भी आ जाए, I must go मतलब लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, मतलब जो कुछ भी हो, come what may, I'll never stop, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा. Because poet dream is so strong. Yes, poet dream is so strong. So he's saying that come what may, but I never stop. Very good. Okay, Anil, what do you think? Anil, beta, mic on करके answer दीजिए Anil. Mam, the poet say, come I may, but I go I must. Tanishka, beta, Tanishka, on the mic. Mam, the poet says, come I may, but go I must.
because he come and not go. Means he will never tired and he would go to his wrong journey, come what may, चाहे जो कुछ भी हो जाए. शांतिका, what's your answer? Yes, ma'am. Ma'am, the meaning of line that anything has done, but poet have to go for his friend. ओके सो बेटा आज का सेशन आपका टाइम ओवर हो चुका है. बेटा व्हाट्सएप के लिए यू कैन लीव वन पेज, ठीक है, चैप्टर नंबर फोर्थ एंड चैप्टर नेम डाल के वन पेज छोड़ देना वर्ड मीनिंग के लिए. यस बेटा सावित्री. मैम आप वर्ड मीनिंग सेंड किए, मैम हम लोग क्वेश्चन आंसर राइट कर लेंगे. बेटा वही मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ, आप लोग वन पेज छोड़ देना वर्ड मीनिंग के लिए. इसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस हुआ है उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम. इट्स योर वर्क फॉर टुडे एंड आल्सो यू हैव टू लर्न द पोएम, यू हैव टू रिसाइट द पोएम. ओके यस मैम. और अभी अगर कोई शिकायत समझ में नहीं आया होगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो एक बार फिर से देख लेना, और अगर तब भी नहीं आता है सो यू कैन सेंड मी द मैसेज, मैं फिर से समझा दूंगी. ओके यस मैम. ओके सो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर मैम. गुड बाय. गुड बाय.